नैनीताल जिला ज्ञात लाशों का अड्डा सा बनता जा रहा है। राज्य बनने के बाद से अब तक नैनीताल में 517 अज्ञात लाशें मिल चुकी हैं, जिनमें से 443 पुरुष और 74 महिलाओं की लाशें हैं, जिनका आज तक पुलिस किसी भी रूप में उनकी शिनाख्त नहीं कर पाई है। हालांकि हर साल पुलिस अज्ञात शवों की शिनाख्त के लिए विशेष अभियान भी चलाती है, लेकिन पुलिस को इन शवों की शिनाख्त करने में कोई सफलता हाथ नहीं लगती। इन गुमनाम शवों की शिनाख्त न होने के चलते कई अपराधी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। हालांकि पुलिस की ओर से समय समय पर ऐसे अज्ञात शवों की शिनाख्त के लिए नेशनल लेवल पर विज्ञापन भी दिए जाते हैं। इसके लिए आपको दो तीन चीज़ें देखनी होंगी। एक, पुलिस की कार्यशैली और पुलिस के पास जो मैकेनिज्म है वो कितना है। दूसरा, जो ये इलाका है, राज्य गठन के बाद यहाँ पर बड़ी विपरीत स्थितियाँ हुई हैं। इसको एक तरह से तमाम लोगों ने, जो अराजक तत्व हैं, जो बेड एलिमेंट्स हैं, उन्होंने इसको एक तरह से फर्टिलाइजर मान लिया है। और यहाँ के पुलिस की जो अकर्मण्यता है, उसके कारण कहीं मारा, पीलीभीत में कोई घटना करी और उसके बाद 100 उन्होंने काला डोंगिया फेंक दिया। तो इसी तरह से दो तीन चीज़ें हैं, इनमें पुलिस की भूमिका बहुत संदिग्ध मानी जा सकती है। क्योंकि पुलिस, जब कोई आदमी मृत अगर मिल रहा है, उसके शव की पहचान करना पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी है। देखिए, राज्य गठन के बाद देखेंगे तो हमारे यहाँ पे 500 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ हैं जो अज्ञात में मिली हैं। उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमने अखबारों में उसका फोटोग्राफ्स निकलवाए हैं, जितने भी DCRB के माध्यम से देश के समस्त थानों में उनके फोटोग्राफ्स सर्कुलेट किए हैं, और जो जहाँ पे मिसिंग्स होते हैं उनकी भी सूचना एकत्रित लगातार की जाती है।